नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ बैक, फॉर्मेशन ऑफ बैक। देखिए यूट्रस जो है, यूट्रस में फीटस है, इस फीटस के ऊपर कवरिंग है, एमनियोन और कोरियोन की कवरिंग होती है बेसिकली, जो कि लूजली अटैच होती है डेसिडुआ ऑफ द यूट्रस। क्या होती है? डेसिडुआ के साथ लूजली अटैच होती है, अटैच होती है क्या? एमनियोन और कोरियोन लेयर, ठीक है, एमनियोन और कोरियोन लेयर डेसिडुआ के साथ लूजली अटैच रहती है यूट्रस के अंदर, जो कि ये क्या है, एमनियोन और कोरियोन, ये कवरिंग है किसकी, फिटस की कवरिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिर्फ एक ही जगह से कनेक्ट नहीं होती, अटैच नहीं होती, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहां से, इंटरनल ओस, इंटरनल ओस, ये इंटरनल ओस से अटैच नहीं होती, यहां से नहीं होती, ठीक है, लूजली अटैच ये नहीं होती। तो जब यूट्रस का ऊपर से प्रेशर लगता है तो यूट्रस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका एरिया कवरिंग जो है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो दो यहां पे वाटर बना लेता है, फोर वाटर और हिंड वाटर, फोर वाटर हिंड वाटर। फोर वाटर क्या होता है, फ्रंट ऑफ हेड, फ्रंट ऑफ हेड, हेड के जो फ्रंट में एरिया ये वाला, इसको बोलते हैं फोर वाटर, और पीछे की साइड इसको बोलेंगे हिंड वाटर। अबो द हेड, हेड के ऊपर जो एरिया है उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हिंड वाटर, ठीक है। ये था फॉर्मेशन ऑफ बैक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बेरिंग डाउन एफर्ट्स, बेरिंग डाउन एफर्ट्स, ये क्या होता है, देखिए ये वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्स्ट्रा मसल्स का प्रेशर होता है या एफर्ट्स होता है, वॉलेंट्री एफर्ट्स है ना, मदर के द्वारा लगाया गया खुद का दबाव है, एफर्ट्स है, ठीक है, बाय मदर टू एक्सपल्शन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपल्शन के लिए यूट्रस के ऊपर मदर का खुद का वॉलेंट्री जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं बेरिंग डाउन एफर्ट्स। ये कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर, कब लगाया जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर। और सेकेंड स्टेज में आपको याद होगा दो फेज थी, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। तो बेसिकली ये एक्सपल्सिव फेज में माँ के द्वारा लगाए जाने वाला एफर्ट्स है, ठीक है, टू एक्सपेल आउट द बेबी, बेबी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, जैसे स्टूल को पास आउट करते हैं उस प्रकार से जो प्रेशर फोर्स लगता है वो फोर्स एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे बेबी आराम से डिलीवरी हो जाए। कब करेंगे, ये करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, वो भी एक्सपल्सिव फेज के अंदर, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस दौरान लगाया जाता है। अगर आप इसको फर्स्ट स्टेज में लगा दोगे, अगर फर्स्ट स्टेज में यूज किया जाएगा तो हेड कंप्रेशन करके फीटल हार्ट रेट अफेक्ट कर देगा, फीटल एक्चुअली यूट्रस का डिसफंक्शन कर देता है, यूट्रस के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, और फीटल हार्ट रेट जो है वो कम देखने को मिलेगी, इसलिए सेकेंड स्टेज के एक्सपल्सिव फेज में बेरिंग डाउन एफर्ट्स माँ को लगाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये था इसके बारे में।
टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं रिलेटेड टू फिटस। अब कुछ फिटस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है एटीट्यूड। तो हम तो जब पैदा हुए थे, बल्कि पैदा होने से पहले हमारे अंदर तो एटीट्यूड आ गया था। तो देखो एटीट्यूड रहता है बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एटीट्यूड वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये क्या है, देखिए ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फीटल ट्रंक एंड अदर बॉडी पार्ट। फीटस ट्रंक का अदर बॉडी जो पार्ट्स हैं, हाथ है, पांव है, हेड है, उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब उसके चिपका हुआ है, पास में है या दूर है, फ्लेक्स है या एक्सटेंड है, ठीक है। ये ट्रंक के साथ बॉडी फ्लेक्स है, चिपका हुआ है एरिया, या दूर है, एक्सटेंड है, उसके भी यहाँ पे हमने एटीट्यूड को बांटा है, ठीक है यहाँ पे। और नॉर्मल जो एटीट्यूड होता है, वो कैसा होता है, नॉर्मल एटीट्यूड फुल फ्लेक्शन होता है, फुल फ्लेक्स। देखो एटीट्यूड में मिलेगा और कैसा, बिल्कुल फुल फ्लेक्स में मिलेगा, मतलब एक तरीके से आप फुल अकड़ा हुआ, अकड़ जो होती है ना वैसे मिलेगा, टाइट मिलेगा, है ना, बॉडी के पास में मिलेंगे ऑर्गन, इसको बोलते हैं नॉर्मल फुल फ्लेक्शन होता है। उसके अलावा एक्सटेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और एक्सटेंशन भी, डीफ्लेक्शन भी, अदर भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जनरल जो नॉर्मल जो एटीट्यूड है वो क्या रहेगा, फुल फ्लेक्शन। यहाँ पे ट्रंक जो है वो आसपास के ऑर्गन के साथ फुल फ्लेक्स होगा, है ना, अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये था एटीट्यूड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया, एम्स भुवनेश्वर में आया था, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर में ये क्वेश्चन आया था 2018 में। तो और भी एग्जाम में आ जाएगा, वो आपको डेफिनेशन देता है और चार ऑप्शन उठा के दे देता है, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर, रिप्रेजेंटेशन, अदर कुछ भी डाल देता, पोजीशन। तो आपको बताना होता है, या तो एक ऐसी डेफिनेशन मिलेगी, रिलेशन बिटवीन फीटल ट्रंक एंड अदर बॉडी पार्ट, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एटीट्यूड, ठीक है। नॉर्मल पूछ ले तो क्या बताओगे, फुल फ्लेक्शन। अदर कंडीशंस में कैसा देखने को मिल सकता है, एक्सटेंशन, डीफ्लेक्शन, अदर, ठीक है। तो ये था एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड के बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, बार बार आप सुनते हो प्रेजेंटेशन। देखो पार्ट्स ऑफ फीटस विच लाई इन लोअर यूट्राइन पोल और पेल्विक ब्रेन। फीटस का वो पार्ट जो लोअर सेगमेंट में है, लोअर पोल के पास है, पेल्विक ब्रिम के पास है, उसके भी आप पे आप उसका प्रेजेंटेशन रखते हो। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए ये यूट्रस है, हेड अगर नीचे होता है और बॉडी ऊपर है, इस प्रकार से है कि हेड पार्ट नीचे है, फिटस लोअर यूट्राइन पोल की तरफ है, पेल्विक ब्रिम के पास है, इस टाइप की प्रेजेंटेशन को बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक वर्ड हेड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो हेड प्रेजेंटेशन तो नहीं बोलते, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। सेकंड है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि नीचे बटक्स जो है वो दिखने लग जाए, तो इसको बटक प्रेजेंटेशन, बटक प्रेजेंटेशन, ठीक है, या इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ब्रीच, बी से बटक, बी से ब्रीच प्रेजेंटेशन।
एक पोल जो है, पोडैलिक भी बोलते हैं बटक्स को, तो पोल से रिलेटेड करके है, पोडैलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, पोडैलिक प्रेजेंटेशन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अदर भी कुछ होती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन ऐसे होता है बेबी, यहाँ पे बच्चे के शोल्डर्स जो है वो पहले आपको यहाँ पे इस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशन है, कौन सा पार्ट फीटस का लोअर सेगमेंट पे होगा, लोअर की तरफ होगा, लोअर पोल के पास होगा, उसके ब्याप पे हम उसका प्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं। तो अगर शोल्डर पहले नीचे आ रहा है उसको बोलेंगे शोल्डर प्रेजेंटेशन, अगर लोअर यूट्राइन पोल में हेड है तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन, बटक है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन के नाम रखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, सेफेलिक सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, कितनी परसेंट ये मिलती है 96.5% आपको क्या देखने को मिलेगी, सेफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। एन एवरेज 3% आपको पोडैलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन या बटक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, और अदर जो बच गया एन एवरेज 0.5 के आसपास, ये अदर जितनी भी आएंगी शोल्डर के साथ अदर जो भी होंगी वो सारी 0.5% प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में, ये था प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बार बार आपको बोल पता चलता है प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है लोअर यूट्राइन पोल में या पेल्विक ब्रिम में कौन सा फीटस का हिस्सा उसके बिहाफ पे करते हैं, हेड है तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन, बटक्स है तो बटक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, पोडैलिक, और अगर शोल्डर है या अदर कोई पार्ट है तो उसके बिहाफ पे उसका नाम रख देंगे, ठीक है। ये था प्रेजेंटेशन के बारे में। अब एक और स्ट्रक्चर है प्रेजेंटिंग पार्ट, नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ फीटस दैट लाई इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो हेड जो भी पार्ट होगा उसके बिहाफ पे होगा, जैसे हेड नीचे था तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन थी, और उसका भी कौन सा हिस्सा है, एंड अदर एक और बोल सकते हैं एक और डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ फीटस दैट फर्स्ट फील ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान सबसे पहले जिस पार्ट को फील किया जाएगा वो पार्ट के बिहाफ पे हम प्रेजेंटिंग पार्ट रख देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर से ही आएंगे पॉइंट इसके निकल के, पहली प्रेजेंटेशन कौन सी थी, पहली प्रेजेंटेशन थी सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक, दूसरी पोडैलिक, तीसरी अदर थे कुछ पॉइंट, ठीक है, जिनमें शोल्डर थी, ठीक है। सिफेलिक जो प्रेजेंटेशन है हेड वाली, उसमें कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, उसमें हो सकता है वर्टेक्स, उसमें हो सकता है ब्रो, उसमें हो सकता है फेस। जिस हिसाब से फीटस, ये यूट्रस है, यूट्रस में फीटस के हेड का जिस हिसाब से एक्सटेंशन या फ्लेक्शन हो रखा उस हिसाब से वो हिस्सा आपको यहां पे नजर आएगा, जो पहले नजर आएगा, जो पहले टच होगा या पहले इस सेगमेंट में होगा यू, उसके भी आप पे हम उसकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग पार्ट रखेंगे। जैसे ज्यादातर केसेस में ये 96.5 होता है, मैंने आपको बताया था,
96.5 आपको यही देखने को मिलेगी। तो इसमें से भी 96 तो सिर्फ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है 96, उसके अलावा 0.5% ये दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और उसमें भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वर्टेक्स। ठीक है, अगर आप हेड की स्ट्रक्चर को डील करोगे, हेड के स्ट्रक्चर को डील करोगे तो ये हिस्सा था फेस। अगर ये हिस्सा इस हिसाब से नजर आ रहा कि आपको यहां नीचे सबसे नीचे ये हिस्सा नजर आ रहा है तो फेस प्रेजेंटेशन। यहां तक ये था एंटीरियर फोंटेनेल, ये था पोस्टीरियर फोंटेनेल। अगर ये हिस्सा नजर आ रहा है तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन है। अगर ये हिस्सा आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे पहले आ रहा है, इस तरफ पहले आ रहा है, और अगर ये हिस्सा है वर्टेक्स, ये हिस्सा आपको यहां नजर आ रहा है लोअर पार्ट में, तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इस हिसाब से इनका प्रेजेंटेशन का नाम है। ठीक है, ऐसे ही पोडैलिक में होता है। देखो पोडैलिक के भी कई सारी टाइप होती है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बटक्स जो है, बटक प्रेजेंटेशन में आपको बटक देखने को मिलेंगे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो प्रेजेंटिंग पार्ट वही होगा। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी नी प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है, वो भी इसी के अंदर आती है। फुट प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, और अगर में शोल्डर नजर आते हैं, शोल्डर में भी दो कंडीशन होती है, एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर। ठीक है, आगे वाला शोल्डर अगर यहाँ पे पहले सेगमेंट में हो, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एंटीरियर शोल्डर और पोस्टीरियर हो तो पोस्टीरियर। ठीक है, इसके भी आप पे। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग पार्ट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, देखो एक और प्रेजेंटेशन होती है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड का मतलब भी आपको पता, एक या एक से ज्यादा। तो यहां पे क्या होगा, मोर देन वन पार्ट आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट में देखने को मिलेगा, लोअर पार्ट में एक से ज्यादा। जैसे कि हेड नजर आ रहा है, हेड के साथ में एक हाथ भी नजर आ जाए, ठीक है, आर्म नजर आ जाए, उसको बोलते हैं। जैसे हेड और आर्म भी नजर आ जाए ना, इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन है जिनमें एक से ज्यादा पार्ट नजर आएंगे उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वहां पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वहां पे फिर हेड और आर्म हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, जो सबसे पहले लोअर सेगमेंट में उसके भी आप पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रेजेंटिंग।